birthday to you. Thank you so much. ये आपकी भाभी की तरफ से आया भी ठीक है मेरे बच्चों प्यार से रहो प्यार से जीने दो हाँ जी हाँ जी इनको जरा बताएं जब आपको गुस्सा आता है तो फिर आप क्या करते हैं क्यों बाप बेटे में फिक डाल रहे हो क्या डाल रहे हैं बाप बेटे में फिक डाल रहे हो छड़ तेरे में से फिक पैसा कर दिए एफ दो ताड़ी गड्डी का सारा काम शम करा लिया एलसीडी भी नवीन बवाती शीशे भी काले कराते छत भी काली कराती एचआईडी लाइट भी लगवा दी सारे काम कर दिए ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे अच्छा जी एक जरूरी बात करने आप सबके सामने बैठा हूँ मैंने एक व्लॉग लगाया था 3-4 दिन पहले गिफ्ट अनबॉक्सिंग का जो मैं ईरान से गिफ्ट वगैरह लेके आया था वो मैंने सारे खोल के दिखाए थे उसके अंदर फैंस के गिफ्ट थे अम्मा का बाबा का अवैस का सब के गिफ्ट थे उसके अंदर तो उसके नीचे काफ़ी मुझे ना हेट मिला कि शर्म नहीं आती इसको अपने बाबा से प्यार नहीं करता और बाबा के लिए कुछ लेके नहीं आया अपने बाबा की इज्जत नहीं करता सिर्फ माँ के पल्लू से जुड़ा रहता है अगर आप सबको ऐसा कुछ फील हुआ तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ मैं आप सबसे सॉरी करता हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसी फील आई है कि मैं बाबा से प्यार नहीं करता बाबा की रिस्पेक्ट नहीं करता बाबा के लिए क्या इस चीज की सॉरी कर रहे हो पापा जी वो ना सीन ये हुआ है कि हमने जो लगाया था ना यहाँ बैठ के जो हमने गिफ्ट अनबॉक्सिंग की थी गिफ्ट खोल के दिखाए थे ईरान वाले सारे तूने पढ़े कमेंट अच्छा मेरे कमेंट सारे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं अवैध जरूर पढ़ता तूने पढ़े कमेंट हाँ लोगों ने ना मामा जी मुझे काफी आप तो नहीं कमेंट्स वगैरह पढ़ते लोगों ने काफी मुझे हेट दिया उसके नीचे कि बाप को पीछे खड़ा किया हुआ है खुद बैठा हुआ है ये बगैरत है ये अपने ही माँ से सिर्फ प्यार करता है बाप से प्यार नहीं करता बाप के लिए गिफ्ट कोई नहीं लेके आया अवैस के लिए गिफ्ट कोई नहीं लेके आया ठीक है जो फैन ने एक परफ्यूम दिया था वो अवैस को दे दिया मतलब काफी जो है ना नीचे उन्होंने लाइन लगाई भी कि अपने बाप से प्यार नहीं करता उनको डिसरिस्पेक्ट करता उनकी इज्जत नहीं करता ओ भाई आराम से मेरा बेटा जो है जितना अच्छा है ना वो मुझे पता है ये आपको कैसे पता कि मेरा बेटा आप मेरी रिक्वेस्ट करता कि नहीं करता मेरा बेटा बहुत अच्छा है ऐसे ना मैसेज किया करो बहुत बहुत आपने आपने कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी कोई बात नहीं वो फैमिली मेंबर है मामा जी अगर तो कोई होता ना कोई हेटर कैसे कह सकते हैं कौन सा मेरा बच्चा जो अपने पापा से प्यार नहीं करता मम्मा से करता है मेरी बात सुनो मेरी बात उनको ऐसी वाइब आई अगर कोई हो ना हेटर हो उसने कमेंट किया हो तो मैं उसको इग्नोर कर दूं कोई बात नहीं वो हमारे फैमिली मेंबर ही हैं डेली कमेंट्स करते हैं उन्हीं में से किसी के कमेंट्स आए हैं और काफी ज्यादा कमेंट्स आए हैं तो मैंने जवाब देना जरूरी समझा अगर उनको लगा है कि यार मैंने गलत किया मैं सॉरी कर लेता हूं सॉरी वाली बात ही नहीं मैं बताती हूं ना देखो मैं जरा बोल लेती हूं आपको बताया मेरे बच्चों को पता मैं बोल लेती हूँ बाबा बोलते नहीं था मेरे पापा बोलते नहीं है मैंने इतनी बार कहा कि पापा जी वीडियो में थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करवाया करो ठीक है लेकिन वो सिर्फ ओके या फिर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है इस तरह यार पापा जबरी तुमसे पापा की जान फंसी तुम्हारे और तुम्हारी पापा से इन लोगों ने देखा नहीं पापा को मैं आपको एक बात बता दूं मैंने सॉरी सिर्फ आप लोगों को जो है वो सेटिस्फाइड करने के लिए कर दिया जितना प्यार मैं अपने बाप से करता हूँ ना शायद अम्मा से भी उतना नहीं करता अम्मा के साथ जरा मैं शो ज्यादा करवा देता हूँ या अम्मा मेरी आगे से ना अम्मा हाँ जी औरत जो है ना भाई औरत मैं आपको एक चीज बताता हूँ आप ये काम आएगी आपकी माँ आपकी बहन आपकी बेगम औरत जो है वो सहराने के लिए बनी गई है कि उसको सहरा जाए उसको चीजें दी जाए हूं बाप मैं अवैस असी पक्कियां जाना ने मर्द दाते इनके लिए एक एक चीजें दो चीजें ही आती हैं अब मैं एक और बात एक सिर्फ एक मिनट अवैस के लिए मैं गिफ्ट एक और भी लाया हूँ ठीक है आपने अगर वो व्लॉग देखा है तो व्लॉग में मैंने कहा है मेरे गिफ्ट से हटके ये एक मुझे फैन ने परफ्यूम दिया था ये तुम्हारे लिए भजन ठीक है एक और गिफ्ट है जो कि मैंने व्लॉग में नहीं दिखाया क्यों नहीं दिखाया उस बच्चे ने अपने घर जाना होता है हफ्ते के बाद यहां से पैदल जाता अपने घर आप चाह रहे हो कि रस्ते में कोई पकड़ ले उसको ठीक है और वो उसे छीन ले मैंने वो नहीं दिखाया सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से ठीक है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि प्राइवेट रखनी पड़ती हैं जब मैंने व्लॉग में कह दिया यार मैं तो गिफ्ट लेके आया ही आया हूँ ये अलग से एक परफ्यूम है ये तेरे लिए है तो जाहिर बात है मैं कुछ लाया ही होगा ना वो जो घर में होते हैं हमने तो कभी मना ही नहीं किया उसको तो हमारे घर में मेरा बच्चा बन के रह रहा है रजबली की चीजें इस्तेमाल करे सलमान की करे हम तो मेरा भाई ये छोटा और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक रहना चाहे तब तक रहेगा जब तक अल्लाह पाक उसकी खुद बाजू नहीं पकड़ते वो कामयाब कामरान नहीं होता जब तक मैं उसके साथ हूँ मैं इंशाल्लाह कोशिश करता रहूंगा इस तरह की बातें मेरे बच्चे करेंगे तो बच्चे के दिल में जो नहीं आ जाए वो भी आएगा भाई अपने गिफ्ट में कहना तू भाई दे अपना गिफ्ट भाई दे उसने डर दे मारे आप गिफ्ट नहीं भाया भाई मैं दिन कार जाना होता खो ही ना लगे मेरे को मैं और करना चाहती मुझे अच्छा नहीं लगा मेरे बच्चों ने इतनी गलत बात की कि माँ से प्यार है बाप से कभी कोई तफरीक कर यार आपसे प्यार नहीं मैं करता यार बता मैं बताती हूँ मैं बोल सकती हूँ वो अभी भी बोल नहीं सके अच्छे से क्या मैं बोलना बताती हूँ जब तेरे पापा को हेपेटाइटिस हुआ 7 साल पहले यार अच्छा चुप करो मेरी बात पूरी होने दो बच्चों को समझ आई यार इतना डीप क्या करना चाहते हाँ मेरी बात मैं बोलती हूँ वो बोलते नहीं इतना अपने बेटे से प्यार करते बेटे से उनकी जान फंसी दोनों में
पापा को 7 साल पहले हुआ था हेपेटाइटिस सी। 7 या 8 साल पहले मेरे पापा को हुआ था हेपेटाइटिस फाइनल स्टेज। और उससे पहले कोई बीमारी नहीं थी, कोई शुगर, कोई ब्लड प्रेशर, कुछ भी नहीं था। हमने सिर्फ चेकअप करवाया था कि यार ये रेड रेड निशान, येलो येलो निशान किसी के हो रहे हैं, तो वो जो चीज होनी चाहिए थी रिपोर्ट के अंदर 120 पे वो थी, पता नहीं 600-700 इस तरह गई भी थी। और उसका जो हुआ इलाज पूरा था ना, बेटे हो आप नहीं करना था, एक पाँव आपका जिम में होता था, एक हॉस्पिटल में 7-8 साल पहले, तब ब्लॉगिंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। एक बच्चा इंजेक्शन लेके आता था, फौरन वो इंजेक्शन लगता था। ये सारी स्ट्रगल किसने की रजे भैया अपने बाप के लिए, सभी करते हैं मम्मा, सभी करते हैं। फिर जब रिपोर्ट आई, मुझे आज भी वो मेरा बेटा 8 बजे जाके चौथाई ले आपके भाई बैठ गया, और वो डॉक्टर का बेटी 9 बजे रिपोर्ट मिली, वहां बैठा रहा के मोला मेरे पापा को जिंदगी बख्श दो, मैं सारी जिंदगी दोनों को चुकाने के पढ़ूंगा। आज तक पढ़ रहा है, 8 साल हो गए हैं। अच्छा, मैं 28 साल का हूँ, मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरी अम्मा जो है जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से 2 नफर शुक्राने के पढ़ रही है, क्योंकि मैं शादी के 8 साल बाद पैदा हुआ था, तो अम्मा ने कहा था कि अल्लाह पाक मुझे औलाद अता फरमाए, चाहे लड़का चाहे लड़की, मैं सारी जिंदगी उसके नफल पढ़ूंगी। तो मेरी माँ 28 साल से मेरे नफल पढ़ रही है। मैंने उस टाइम चौथाई लैब के बाहर बैठ के ये दुआ की थी कि अल्लाह पाक मेरे पापा को प्रॉपर सेहत तंदुरुस्ती दो, रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आए, वो कल मेरे साथ घर जाएं। पूरा 1 महीना पापा हॉस्पिटल में रहे थे ईएमई सोसाइटी में, ठीक है, तो पापा मेरे साथ घर जाएं खैर ऑफिस से। अगर मेरे पापा की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आती है, क्लियर आती है, तो मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरे पापा मेरे सर पे सलामत है, मैं उनके लिए 2 नफल शुक्राने के पढ़ूंगा। और आज 8 साल हो गए मुझे वो नफल पढ़ते हुए। मजाक उड़ाती कि इन दोनों बाप बेटे में पता नहीं चलता कि बेला यार, बट यार मैं तनु नहीं क्या यार, बट थोड़ा जा हंसिया खेडिया कर। लोग कहते ने कि ऐसी जी बुढ़ी है ना, वो तो शद्दत कर दिया थे, मुंडा प्यार नहीं करता। मैं अपने बच्चों से मेरे बारे में जज गलत किया, की क्या रही है? हाँ, बिल्कुल नहीं, उनको और नहीं सोचने नहीं चाहिए, नहीं कुछ नहीं होता। मेरी बात जो सोशल जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया ऐसी चीज है, यहाँ पर आप जिस तरह की चीज दिखाओगे उस तरह हो जाएगा। अब आपको मैं कह रहा था कि पापा को चेयर रख दें, लेकिन अगर पापा को चेयर रख के देते थे, पापा पीछे छुप जाते थे, ठीक है। इनको मैंने कहा कुछ बोल लो, कुछ खेल लो, कुछ कर लो, ठीक है। मर्द जात सख्त जात है, औरत का हक बनता है उसको सहराया जाए, उसको तोहफे दिए जाए। इसलिए वो वाले बाबा और ये वाले बाबा दोनों के लिए स्वेटर आया था, अपने लिए मैंने एट द एंड आखिरी दिन एक जैकेट ली थी, बस और कुछ भी नहीं लिया। बट साहब फिर कहते ओके मेरे बच्चों, प्यार से रहो, प्यार से जीने दो। हाँ जी, जीने दो। हाँ जी, इनको जरा बताएं, जब आपको गुस्सा आता है तो फिर आप क्या करते हैं? कट मेरी हाकी किथे मेरी जबी बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बाप से ज्यादा प्यार करता हूँ अपनी माँ से, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल ना एक बच्चों की तरह लगते हैं। एक बच्चा नहीं छोटा जैसे मैंने रखा होता, जैसे मिंसा है, वो सीधा जन्नती इंसान, ठीक है। और 8 साल से अपने बाप की जो मैं रिपोर्ट ठीक आई थी, और अल्लाह पाक का शुक्र है उसके बाद कोई ऐसा मसला हुआ भी नहीं, सिर्फ आंखों का इशू हुआ था, मैंने ऑपरेट करवा लिए थे, दोनों साइडों पर लेंस डलवा लिए थे, ठीक है। 8 साल से नफल पढ़ रहा हूँ, तो प्लीज इतनी जल्दी जाए। और नहीं नाराज, माँ में और बच्चों में फर्क होना चाहिए। मामा जी मेरी बात सुने, माँ में और बच्चे में फर्क होना चाहिए, आपने दिल बड़ा करना है। नाराज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर है, वो मेरे से नाराज है, आपसे नाराज नहीं है, मेरा ख्याल आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आज का सीन ये है कि हम जा रहे हैं मम्मा के और पापा की गाड़ी को लेके ठीक करवाने, ठीक मतलब पोशिश चेंज करवानी है और 3-4 काम करवाने हैं। अम्मा जा रही हैं कुछ शॉपिंग वगैरह करने, ठीक है। अम्मा जी ज्यादातर निकलते हैं, हैदराबाद को पिक करते हैं और सारा सीन देखते हैं कि क्या बनता है, क्या क्या कुछ करवाना है और कहां से करवाना है। आए 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 बेबी डॉल मैं सोने दी। अगला 1-1.5 महीना इसका मैं बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत प्यार से इसको संभाल के वॉश करके रखूंगा, उसके बाद फिर ये कहां और मैं कहां, फिर मेरे से ख्याल नहीं रखा जाता भजन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हैदर वेट कर, अभी निकले। अच्छा भाई, आपको ताजा तरीन अपडेट से आगाह कर दें, तो वो ये है कि कल है आपके भाई का बर्थडे। अब हैदर हो गया, गजल हो गई, ये सब मेरे हाथ के बच्चे हैं, मुझे पता है ये कहाँ से बोलते हैं और कितना बोलते हैं, ठीक है। गजल भी कुछ ना कुछ प्रिपरेशंस कर रही है, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि मुझे ना पता लगे, लेकिन आई नो वेरी वेल, मुझे पता है मेरे घर वाले कभी भी नहीं वो भूल सकते, उनको याद रहेगा, उन्होंने कुछ ना कुछ करना ही करना है, मेरा बर्थडे है। और हैदर भी चाह रहा है कि वो आज का दिन मुझसे कट के रहे, मेरे साथ आज का दिन ना रहे, उसने कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आने हैं। मैंने उसको भी फोन किया, मैंने कहा चल गाड़ी का काम करवाने जाना। नहीं, मैं बिजी हूँ। मैं कहा कितने बिजी है तू, जेड़ा मैंने नहीं पता। कहता नहीं, मैंने कहीं काम जाना, 1 घंटे तक आ जाना। मैंने उसको जबरदस्ती अपने साथ रेडी किया, कहता ठीक है फिर 1 शर्त पे जाऊंगा, मुझे बीच में से ना 1 घंटा कहीं जा लेने देना, मुझे काम है, मैं ऊपर करवा के चला जाऊंगा। मैं कहा अच्छा तू आ तो सही, अब मैंने इसको जाने नहीं देना, शुक्र मिला चेक करना जरा इसका। लुक हू इज देयर, क्या हाल है, क्या टीटो पार्टियां लगा रहे हो तुम? यार मैंने काम जाना, मुझे जबरदस्ती ले आया काम यार, तेरा काम मैं जानता हूँ कर ले, तेरा काम। और हमारे साथ आए हैं भाई, क्या हाल है,
ठीक हो? हमने कहा गाड़ी का काम शाम करवाना, तो गाड़ी के जो एक्सपर्ट है वो साथ जरूरी है हमारे। काम कराना था यार, चुप कर जा, तेरा काम भी हो जाता, तेरा काम भी। हमारे एक अदद भाई हैं, हम उनकी शॉप पे जा रहे हैं, सारे काम शाम करवाते हैं। अली भाई को साथ इसलिए लिया है, जरा बेहतर तरीके से देख लेते हैं, पहुंचते हैं फिर आपको दिखाते हैं और आपको बताते भी हैं क्या क्या करवाना है। ओके जी, तो हम पहुंच चुके हैं मंडगुमरी रोड और काम स्टार्ट हो गया। गाड़ी का क्यों हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? सबसे पहले लगेगी एचआईडी, एचआईडी है ना, पहले एचआईडी लगवाएंगे। ये कौन सी फॉग लैंप है ना, ये है फॉग लाइट्स और ये है जी एचआईडी। हमारी जो अभी लगी है वो येलो कलर की है, लेकिन हमें चाहिए व्हाइट कलर की, क्योंकि फॉग बहुत होती है तो व्हाइट जरा सही रहती है। ठीक है, अभी ये लगती है तो आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद क्या काम स्टार्ट करना है वो भी साथ साथ बताता हूँ। फ्रेम में रखते हैं उसकी, समझ नहीं आती, गाना सुना चाहिए। हमने एंड्रॉइड पैनल नया मंगवाया है, कितने का पैनल? ये एंड्रॉइड पैनल आ गया जी, ये पूरी फिटिंग में बैठेगा, बाहर तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, ये पूरा पूरा फिट आएगा, ग्रिप टू ग्रिप फिट। हाँ भाई ठीक है, देखते हैं वो। मैं रख के आपको दिखाता हूँ, बस ठीक है, ठीक है, बस बाहर ना आए जिस तरह वो लगी हुई ना, हालांकि ये साइज में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बाहर ना आए बस। लेकिन बहुत बड़ी फिल्म है यार, ये बंदा बहुत बड़ी फिल्म है। अपने भाई को साथ इसीलिए लेके आया था कि मुझे भाई ने वैसे जाने नहीं देना, अली को साथ लेके अब निकल गया। मुझे पता ही कहाँ गया, ये मेरा कोई गिफ्ट शिफ्ट लेने ही गया, मैं इसे कह रहा हूँ छोड़ पड़े छोड़ पड़े, जान के लेके आया अली को साथ, वो जा रहा है अभी यहाँ से कहीं से कुछ देखेगा, गिफ्ट शिफ्ट मेरे लिए लेके आएगा, हम तब तक गाड़ी का काम करवा लेते हैं। अच्छा जी, ये भाई आ गए हैं, शीशे काले करवा लेते हैं। दूसरा भाई गया है पेपर लेने, छत भी हम काली करवाएंगे, प्यारी लगेगी। 2000 years later. Okay जी, अल्हम्दुलिल्लाह शाम तो हो गई है, लेकिन काम अच्छा हो गया। बंद कर बंद कर, ये एच आई डी वगैरह फॉग लैंप भी लगवा लिए, ठीक है, उसके बाद हमने छत सारी काली करवा ली है, अंधेरा हो गया, लेकिन दोबारा दोबारा कर लो, कल डे लाइट में भी आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा ये हमारी आ गई LCD जो कि परफेक्ट बैठी है, जबरदस्त, हमने शॉपर शूपर उतार दिए भैया गाड़ी से, ठीक है। और जो हमारे फ्रंट शीशे हैं वो कितने करवाए हैं, 25% 25, और जो बैक है वो करवा लिए हैं 50%, और बैक की भी ये हमने उतार दी है भैया, कोशिश के शॉपर शूपर उतार दिए सारा। फॉग हुई है ना फॉग, तो जिसकी वजह से ये ऐसे लग रहा है काला, बहुत प्यारा लग रहा है छत भैया। और उसके अलावा ये आ गया जी पुराना सामान भाई साहब, ये आ गई LCD पुरानी और ये आ गई HMD पुरानी, ठीक है। अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम निकलते हैं और आपको अगला सीन भी बताते हैं। गाड़ी का सारा काम ऑलमोस्ट हो गया, एक दो दिन इसको वॉश नहीं करवा सकते क्योंकि पेपर वगैरह लगवाया है तो वो उतर जाएगा। आए ये जी हमें सलमान भाई ने, जो ऑटो 2000 के मालिक हैं, उन्होंने दिया है एक कपड़ा, इससे आपने गाड़ी साफ करनी है। और उसके बाद ये हमें उन्होंने दिया है एक स्प्रे कि जब आप गाड़ी वॉश करवाओगे उसके बाद डैशबोर्ड पे क्लींजिंग के लिए ये स्प्रे यूज करना। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं हैदर भाई की तरह। बेटा तू जो टीटो पार्टी लगा रहा था ना, मुझे नजर आ गई है, तो चलो बस ठीक है, नजर आ गई। तुझे जो जरूरी काम था, तू जो लेने निकला था ना, बस ठीक है। नहीं मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता क्या है क्या नहीं है, हल्का सा मैंने देख लिया, हल्का सा देख लिया, वो तो ब्लॉग में देख लेंगे। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ और रात को मुलाकात होती, ठीक है, ओके। शुक्र अल्लाह पाका, हम घर पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम की अली भट्ट साहेब, अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, आपको ट्रू लव, आपके फैंस जो है ना बहुत मिट्टी प्लीज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, प्यार से करेंगे। हाँ जी बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। हाँ जी, क्यों बाप बेटे में फिक डाल रहे हो? क्या डाल रहे हैं बाप बेटे में फिक डाल रहे? छड़, तेरे में से फिक पैसा कर दिए दो। ताड़ी गड्डी का सारा काम शम करा लिया, LCD भी नवीन पाती, शीशे भी काले कराते, छत भी काली कराती, उसके अलावा HID लाइट भी लगवा दी, सारे काम कर दिए, ठीक है, इसको कवर भी नया लगवा दिया। ओके, आपकी भी है साथ, आप जेलस ना हो जो ना कि पापा को गाड़ी पकड़ाते, मुझे नहीं पकड़ाई, ये लो, उन्होंने फिर भी आपको देनी थी, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। मेरे बच्चे अगर ये चाहते तो मेरे से भी ला देते हैं। अच्छा जी, ओके जी, इसी के साथ व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। मम्मा जी एंड, क्या हुआ तेनू कुछ याद रहना कि नहीं रहना? क्या हुआ, आज मेरी बहू की तरफ दावत है, ससुराल वालों को भूलना। मैं तो अपनी तरफ से व्लॉग एंड करने लगा था, कैसे भूल गया, कल माँ जी आई थी और साथ भाभी आपकी आई थी और आज तो उनकी तरफ दावत है, और ये मेरा ख्याल है कपड़े भी मेरे ही प्रेस हो रहे हैं, क्या बात है चीते। अच्छा जी, शावर ले लेते हैं फिर भागते हैं आपकी भाभी की तरफ, दावत आया जाकर देखते हैं क्या सीन पार्ट है वहां पर। 2 मिनट में तैयार हो गया था भाई। ओके जी, तो कैसा लग रहा है आपका भाई व्हाइट शलवार कमीज के ऊपर काले कोट में, काला कोट एवे नहीं पाया, बात ठंड बड़ी है ऐसा करके पाया। यार मैं 2 मिनट वॉशरूम जाऊं, पीछे से दुनिया ही बदल गई है। मामा जी क्या बात है, मॉडल साहेब आज तक नविया शोला नविया शोला। निकले जी निकले, अवैस की तरह अवैस रेडी है, निकले चलो जी, चलते हैं जाके देखते हैं कि आपकी भाभी ने क्या तीर मारा है, क्या पकाया खाया है, पहन चलिए आ जाओ चलो जी। बिस्मिल्लाह, आए 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 आए। फॉर्म देख रहे हो, फॉर्म में अगर आपका भाई ट्रैवल कर रहा है तो
पहुंच चुके हैं जी आपकी भाभी की तरफ। अच्छा मैं एक आपको ताजा तरीन न्यूज से अपडेट कर दूं कि अब जो है ना आपकी भाभी के घर के पास आके मुझे चाऊमाऊ जो पेट में ना गुड़गुड़ वो नहीं होती, क्योंकि आई थिंक निकाह हो गया है, कुछ इतनी दफा हमने मिल लिया है तो अब वो सीन खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम माजी, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है? हाँ जी आप यहाँ आए किस लिए? तेरी भैन ना मेरा निकाह होया। ठीक है पता लगा, हम पता लगा किस लिए हम रोटी खाने आए हैं। ठीक है तबीयत ठीक है जी? मम्मा जी अम्मा से को खाना फटाफट लगा दें, पापा को भूख लगी हुई है। पापा ने हाथ ले लिए टांगों के नीचे। मुझे भी लगी है लेकिन आपको ज्यादा लगी है। हाँ ये झूठ बोल रहा है, झूठ क्यों? ओए माँ जी ये क्या किया आपने? ये पाए बनाए, साजिश की। मैं पिछले 3 दिन से पाए खा रहा हूँ लेकिन छोटा खाया, जबरदस्त। वैसा मत आप देख रहे हो, मच्छी के सामने बह गए हो ना, इधर देखो। तो चलो जी आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ, चल भाई। मजा आया? शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाना बहुत मजे का था भाई, थैंक यू। जबकि तुमने कुछ भी नहीं बनाया, आई नो, लेकिन स्टिल मजे का था। नहीं मैंने मामा की हेल्प कराई। हाँ जी हाँ जी, पता मुझे। अच्छा एक बात बताएं, आप खाना खाने के बाद ये अचानक बाहर क्यों आ गए? वो मैंने खाना दरअसल ज्यादा खा लिया था ना, मैं वॉक कर रहा था। पता है मुझे जो वॉक कर रहे थे आप? हाँ जी कन्फर्म करना चाह रही थी। फिर क्या कन्फर्म हुआ? हो गया कन्फर्म कि मैं वॉक करने ही आया था। जब आप आए हो तो मेरे हाथ में कुछ था? नहीं था ना, लेट होगा भी नहीं। अच्छा आपकी भाभी को अभी हमने जो है वो गाड़ी फिजिकली नहीं दिखाई, क्योंकि जब वो लोग कल आए हुए थे तब गाड़ी नहीं आई थी, नेक्स्ट डे गाड़ी आई तब वो लोग घर वापस जा चुके थे। अभी मैं आया तो हूँ लेकिन मैं अपनी गाड़ी पे नहीं आया, मैं आया हूँ इस सिविक पे। सिविक पूरी धुंधली लग रही है बिकॉज ऑफ फॉग। सिविक पे इसलिए आया है, अभी हम गाड़ी का काम करवा के घर आए थे तो अंकल आ गए हैदर के बाबा, उन्होंने गाड़ी का कुछ काम करवाना था, कुछ जरूरी काम जो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए रहता था, तो वो गाड़ी ले गए। उन्होंने मुझे कहा बेटा मैं आपको घंटे डेढ़ तक गाड़ी दे दूंगा, तो आपको गाड़ी इंशाल्लाह 2-3 दिन तक देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, शायद उससे भी पहले। ठीक है आपने दिखानी है मुझे, जाहरी सी बात है तुम्हें नहीं दिखानी तो किसको दिखानी है? ओके हो गया, राइड भी लूंगी। राइड लोगी कि ड्राइव करोगी? ड्राइविंग अभी आती नहीं, आप सिखाएंगे तो फिर। नहीं तुम ड्राइव ना करना, तुम ड्राइव करोगी ना तो हम मर जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा रोज़े मेशर। अच्छा मेरी बात सुनो यार, बहुत ज्यादा कमेंट्स की बारिश हो रही है, सेइंग यस टू भाभी कर रहे हैं, सेइंग यस टू भाभी कर रहे हैं, उसका क्या करना है? सोचते हैं देखते हैं कर लेंगे, कोई कर लेंगे। मैं कहता हूँ कि 1 मिलियन पे करेंगे, जब 1 मिलियन हो गया ना फिर करेंगे। ये सही है, जितने वैसे कमेंट्स हो गए हैं ना, कम अज कम हर व्लॉग के ऊपर 100-150-200 कमेंट्स होता है सेइंग यस टू ईमान, सेइंग यस टू भाभी, उसका कोई हिसाब-किताब लगा ले फिर यार। लगाते हैं पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए फिर इंशाल्लाह। व्लॉगर के नाल रह रहा कि ना व्लॉगर दी बुड्ढी बन के पूरा व्लॉगर ही बन गई, व्लॉगर पूरे लालची, इतने सब्सक्राइबर करवा दो ये कर देंगे, इतने सब्सक्राइबर करवा दो ये कर देंगे, इंक्लूडिंग मी, ऐसे ही होता है। खैर 1 मिलियन नहीं, कुछ करीब करीब पहुंच जाएंगे ना तो फिर करेंगे। वैसे भी मुझे पता है इसके साथ सेइंग यस किया तो इसने कुछ भी नहीं कहना, इसने कहना जैसे आपको बेहतर लगता वो कर लें, तो वो ना मजा नहीं आएगा। ऐसे है कि नहीं कि सोचा था कुछ? नहीं कुछ सोचा भी हुआ, सोचा। इसका भी दिमाग चल रहा है भाई, कुछ सोचा भी हुआ इंशाल्लाह। सून हम करेंगे सेइंग यस टू भाभी जैसे ही हमारा 700K हो जाएगा, ठीक है ना? मेरे यार मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे फैमिली मेंबर है, इतना दूर उनको ना फेंको। 1 मिलियन कब होगा तो हम तब करेंगे, 700K वो करवा देंगे ना जब, तो हम सेइंग यस टू भाभी करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा होगा। ठीक है चलें जी अंदर, कि आपने भी वॉक करनी है जो मैंने की है। A few moments later. यहाँ पे सरप्राइज प्लान हुआ हुआ, मैं भी कहूँ कि माँ जी ने एंड टाइम पे खाना कैसे रखा है। अभी तो है आधा घंटा, खुद तुम छुप गई हो बलून के पीछे। थैंक यू। पहला केक आए 12 बजे, मेरे घर पे रश हो जाना ना, मुझे आइडिया है इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया। थैंक यू सो मच। आए क्यों आपने सूट येलो करना इसलिए? फिर येलो कलर आपका फेवरेट है? येलो मेरा फेवरेट है, ब्लैक भी मेरा फेवरेट है, उनको पता है। और थैंक यू सो मच, ये वो बना हुआ है किंग बना हुआ ना? हाँ जी क्राउन बना हुआ है। हाय सबसे पहला केक आया माजी है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑन भाई, शुक्रिया माजी, सुमरन थैंक यू।
सौर्या लो पहला मनु केक आ गया जी। मेरी बेटी ने इतना प्यारा किया तो उसके लिए कुछ बोलो ना। थैंक यू सो मच, मैंने कहा तो है। येलो येलो कॉम्बिनेशन सारा कर लिया, येलो ड्रेस भी उन्होंने पहन लिया, चेक करो। गजल गजल की तरह कर दिया, गजल भी इतनी करती है। वंस अगेन थैंक यू, बहुत प्यारा, थैंक यू। Happy birthday to you, happy birthday dear Raja, happy birthday to you. Thank you, Mani. आप हमेशा संग संग रहे, संग संग क्या संग 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 वाह, पता नहीं उसने वैसे निकाल के चलो जी। अभी मेरा फेवरेट पार्ट अपनी भाभी वाला ठीक है ना, मिक्स ना हो गया। थैंक यू सो मच बच्चों, भाई अंदर रश था तो मैं आपकी भाभी को लेके ना बाहर आ गई भाई। थैंक यू सो मच, ले ले ले, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा था कि आप कल आओगे। ऑब्वियस बात है गजल कुछ ना कुछ अरेंज तो करेगी तो आप कल आओगे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अम्मा के बहाने दावत पे बुला के तो ये सारा सीन होने वाला है यहाँ पे। नहीं, मैं चाह रही थी मेरी तरफ से भी छोटा सा थोड़ा सा हो जाए। छोटा सा और सबसे पहले है ना। मैं तुम्हारी साजिशों को समझता हूँ, सबसे पहले हो जाए। थैंक यू सो मच, छोटा सा था बड़ा सा था जो भी था बहुत प्यारा था, आई लव इट। थैंक यू सो मच आपका। अच्छा बस थैंक यू आई लव इट। आ जाओ चले निकलते हैं घर को क्योंकि 12 बजने वाले हैं और घर पे सब आने वाले होंगे, आई नो डैट। चले माँ जी, ओके माँ जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू। आ जाओ भाई, ओके भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मम्मा जी सही बताना, आपको पता था ना कि हमारी ये प्लान कर रही है? कसम से नहीं पता था। आपको पता था, मुझे मेरे से शर्त लगा लो, मेरे से ज्यादा आप कांटेक्ट में रहते हो, आपको पता था? ये ना उसने अपने शोहर के लिए किया था पागल, ये बता के नहीं करना था उसने। वो बड़ी मसूम थी, छोटा सा सरप्राइज उन्होंने प्लान किया था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और कैसे रिएक्ट हो रही थी, लाल सुर्ख हो रही टमाटर की तरह। और दूसरी बात ये कि मुझे साजिश के तहत बुलाया गया, अम्मा ने मुझे कहा था कि आप 27 तारीख को प्लीज आते खाना हमारी तरफ खाना, क्योंकि आप ज़ियारत करके आए हैं तो आपका जो खाना है वो फर्ज है या अच्छा होता है खाना करना ज़ायरीन का। तो खाना खाने के लिए मुझे बुलाया था और वहाँ पे बर्थडे का सरप्राइज हो गया। एक घंटा पहले ही बर्थडे कर ली, बिकॉज उसे पता था क्या कोऑपरेटिव बच्ची है यार, कैसी मुझे पता आपके घर कोई ना कोई मेहमान आने होंगे, आप आराम से चले जाइएगा। एक घंटा पहले बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी भाभी का जो गिफ्ट है वो हमने साइड पे रख लिया है। वैसे तो इस बार मैंने सुना है कि अम्मा ने भी कहा जी आउट क्लास गिफ्ट देना तनु, देखो अब आउट क्लास गिफ्ट क्या देती है अम्मा। ये आउट क्लास गिफ्ट दिया है मेरी बहू ने दिया, देखो तुम, मतलब यही है आपकी तरफ मेरी बहू ने की तरह आपकी तरह से कुछ नहीं है सरप्राइज किया अम्मा, आपकी तरह से कुछ नहीं है, मैं आपकी तरह से आपकी अम्मा हूँ। मम्मा सही बताओ, आपने पहले जो आउट क्लास गिफ्ट लगाई थी वो है या नहीं है? सही बताओ है। अच्छा जी, अम्मा की तरफ से भी आउट क्लास गिफ्ट है कोई? अभी फिलहाल के लिए ब्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। आज के दिन में यार कुछ बोल लो यार, फिर लोग कहते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करता यार, कुछ बोल लो यार। बहुत 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 मेहरबानी है आपकी, अल्लाह खुश रखे। मेहरबानी किस चीज की? इस चीज की, आपकी ज़ियारत करके आए हो, आपकी सबसे पहले बस ये बोलते हैं अगर बोले तो। अच्छा जी, आज के दिन में हमारे काफी काम डन हो गए, गाड़ी के सारे काम शाम भी हो गए, उसके अलावा सरप्राइज बर्थडे प्लान भी हो गया, और जो बाबा और मुझे लेके आप लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी मैंने कोशिश किया कि वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर हो गई हो तो बड़ी अच्छी बात है, ना हुई हो तो मैं मजीद कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बाप से कितना प्यार करता हूँ वो मैं जानता हूँ, मेरा बाप खुद भी जानता है। और अगर आपको ब्लॉग चल रहा हो तो लाइक करते हैं, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ, मे बी बर्थडे के ब्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।